नमस्कार, वेलकम। तो आज का जो है हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल सीट पॉलिसी 2002, न्यू सीट पॉलिसी 1988 के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल सीट पॉलिसी 2002, है ना। तो 1988 के बाद ये पॉलिसी बनी थी 2002 में। इसकी सैलेंट फीचर्स क्या है, ये पॉलिसी किसके बारे में डिस्कस कर रही है, ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल इस पर शेयर कर दिया है। वी विल नाउ डिस्कस कि है क्या इसमें। तो हम लोग सीड एक्ट 1966 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एंड न्यू पॉलिसी एंड सीड डेवलपमेंट 1988 ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या था, फ्रॉम द बेसिस ऑफ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडियन सीड इंडस्ट्री। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है सीड इंडस्ट्री की ग्रोथ, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट पे नियंत्रण रखना, रेगुलेट करना और उसको बढ़ावा देना, तो इस मकसद से जो है अब तक के जो पॉलिसीज हैं ये बने थे। खासकर अगर हम 1988 की जो न्यू सीड पॉलिसी है उस पे देखें, वो बात करती क्या है, डेवलपमेंट की तरफ जो है ज़्यादा जोर देती है। पहला जो है 66 और 83 की जो भी पॉलिसीज थी, कंट्रोल ऑर्डर था, वो रेगुलेशन पे था। 88 वाला जो पॉलिसी है वो डेवलपमेंट की तरफ है। डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, यानी कि आप सीड की इंपोर्ट की बात कर रहे थे, इंपोर्ट होने वाली सीड पे जो है कैसे कंट्रोल होनी चाहिए, सीड की क्वालिटी पे जो है कैसे जांच होनी चाहिए जो इंपोर्ट हो रही है, तो ऐसी चीज़ों पे जो है न्यू सीड पॉलिसी जो है फोकस कर रही है। बट इन सब चीज़ों में जो मिस हुआ वो ये पॉइंट्स जो है मिस हुए। सबसे पहली पॉइंट जो इन सब चीज़ों में जो मिसिंग था वो ये था कि इंडिया एज अ नेशन, हमारे पास जो है एक सीड पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी कुछ था नहीं सबसे पहले। दूसरी बात जो आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है ना, क्या कहते हैं एक लोगो होता है, ये सब चीज़ें ना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब एक आदमी की या एक इंसान की, व्यक्ति की जो है सोच, वो सोच से निकल के आने वाली जो है आउटकम, उसकी एक आइडिया हो सकता है, एक किताब हो सकती है, एक डिज़ाइन हो सकता है, एक आविष्कार हो सकता है, ये सब जो है एक इंसान की या एक टीम की जो है सोच का आउटकम। मान लीजिए आविष्कार किया, कुछ आविष्कार बनाया एग्रीकल्चर फील्ड में, मान लीजिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को जो है कुछ कभी कभार न्यू जो है एग्रीकल्चरल डिज़ाइन के बारे में जो है वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो ऐसा कुछ नया आविष्कार बन के आता है तो एक आदमी की सोच का नतीजा है। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो उसकी सोच जो है उसकी प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति का या उस टीम का जिसने उसको बनाया उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसका हक है उसमें, क्योंकि उसने बनाया, उसके दिमाग में वो सोच आई, उसको वो ख्याल जो है उसके दिमाग में आई, तो उस सोच को भी जो है आप चाहें तो लीगली वेट करा सकते हैं कि वो आपका खुद का। उदाहरण के लिए बताना चाहूँ, ओके, आईपीआर के लिए केस में कॉपीराइट कहते हैं, कॉपीराइट जैसे मान लीजिए एक लेखक ने जो कोई किताब लिखी, एक कहानी लिखी, वो कहानी जो है उसकी बनाई हुई कहानी, तो वो उसकी सोच है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगेन इसके लिए भी उदाहरण बताऊं, जैसे आप लोगों ने ये थ्री इडियट्स पिक्चर जो है देखा होगा, थ्री इडियट्स पिक्चर जो कहानी बनी थी वो एक्चुअली जो है चेतन भगत जो ऑथर है उनकी कहानी है। बीच में अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, चेतन भगत और आमिर खान के बीच में जो है तनाव भी था इसी मूवी को लेके, कि चेतन भगत की जो कॉपीराइट है उसको जो है आमिर खान ने एक्नॉलेज नहीं किया,
तो उनको जो है उस कहानी के स्टोरी को यूज़ करने का जो है श्रेय जो है चेतन भगत को नहीं दिया आमिर खान ने, ये कुछ ऐसी कुछ बातें उड़ी थी। तो चेतन भगत की कॉपीराइट है थ्री इडियट्स की किताब, उस स्टोरी पे उनकी कॉपीराइट, अगर कोई भी उस स्टोरी को यूज़ करना चाह रहा है कहीं पे भी यूज़ कर सकता है, बट एक समझौता होना चाहिए लेखक और जो इंसान उस कहानी को यूज़ करना चाहता है कहाँ पे भी जैसे भी, उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना है ना। तो इसीलिए कॉपीराइट हो, अगर आपकी सोच है आपकी आविष्कार है वो आप कोई और यूज़ करना चाहता है तो यूज़ कर सकता है, बट आपके अप्रूवल के बाद, आपके साथ अग्रीमेंट के बाद। तो अग्रीमेंट में जो है, अगर मेरी आविष्कार है मैं चाहे उसको फ्री में दे दूँ कि भाई आप यूज़ कर लो कोई बात नहीं, आइडिया आपकी है, आविष्कार आपका है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो किसी ने अगर बीज, एक नई वैरायटी बीज बनाई है ना, तो वो उसकी जो है आइडिया है, उसकी सोच है, उसकी प्रयास है, और उसका नतीजा जो है वो नया बीज है, हाइब्रिड वैरायटी है। तो उस वैरायटी की जो बनाने की जो सोच है वो किसी की प्रॉपर्टी है, तो वो आईपीआर का जो कंटेंट है ऐसे जब डेवलप करते हैं वो जो है, ये सीड पॉलिसी अभी तक जो बनी थी 2002 के पहले उसमें नहीं था, कहीं पे भी रिफ्लेक्टेड नहीं था। लोग वैरायटीज बनाए जा रहे थे, बट वैरायटी किसी एक इंसान की है या किसी एक देश की है ना, ये कहीं जो है स्थापित नहीं हुआ था। देखिए ये मुद्दा जो है ना इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपने सुना ही होगा इंडिया और यूएस के बीच में काफ़ी समय तक तनाव है, शायद अभी भी ये चालू है, बासमती चावल ओके, जबकि इंडियन ओरिजिन की है। अमेरिका ने क्लेम किया था कि ये बासमती चावल की वैरायटी जो है ये डेवलप किया गया था यूएस में, जबकि इंडियन वैरायटी है, ठीक है। सिमिलरली हल्दी ओके, हल्दी को जो है पेटेंट जो है इंडिया से पहले अमेरिका ने करा लिया था, जबकि हल्दी को बताने हम कितने जो है अरसों से यूज़ करते आ। तो इन सब मुद्दों की वजह से जो है एग्रीकल्चर में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंटिंग की कॉपीराइट की जो है क्या कहते हैं मुद्दा जो है छिड़ा गया था, और ये अब तक 2002 के पहले तक जो है सीड पॉलिसी में कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया गया। तो 2002 की ये पॉलिसी में उसको शामिल किया गया। रेस्ट्रिक्शंस एंड लाइसेंस ऑन सीड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो है बात तो कर रहे थे हम, है ना, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1988 की जो सीड पॉलिसी थी उसमें हमने जिक्र तो करी थी, बट उसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किस पे रेस्ट्रिक्शन, किस पे रोक होनी चाहिए, कौन से टाइप की बीज आ सकती है, कौन से टाइप नहीं आ सकती है, इसकी जो है पूरी विवरण जो है 1988 की पॉलिसी में विस्तार रूप में समझाया नहीं गया था, तो उसको भी जो है 2002 की पॉलिसी में शामिल कर लिया गया। Lack of incentives for the public and private seed sectors of the country. ना, देश की जो सीड इंडस्ट्री है, हम इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो देश की जो सीड इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया था, मतलब कोई स्कीम सा नहीं बनाया गया था जिससे कि लोकल नेशनल सीड इंडस्ट्री को जो है प्रोत्साहन मिले, वो भी मिसिंग था। तो उसको भी कंसिडर करते हुए 2002 पॉलिसी को जो है बनाया गया। इंडिया इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर इंडिया ने जो है 2002 में एक नेशनल सीड पॉलिसी बनाई। अब ये नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में बनी थी, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स जो है प्रोविजन फॉर एन अप्रोप्रिएट क्लाइमेट फॉर द सीड इंडस्ट्री टू यूटिलाइज अवेलेबल एंड प्रोस्पेक्टिव अपॉर्चुनिटीज, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एग्रोबायोडाइवर्सिटी। तीन बाद में इसको डाल तोड़ दीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एक माहौल बनाना, क्लाइमेट का यहाँ का मतलब है माहौल बनाना जिसमें कि सीड इंडस्ट्री, इंडिया की जो सीड इंडस्ट्री है वो जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है उसको समझ के उसके हिसाब से जो है अपने आप को जो है डेवलप कर सके, अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सके सही मायने में, तो उसके लिए एक माहौल बनाना जरूरी था, ठीक। दूसरा, हमारी जो किसान हैं, इंडियन के जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स की जो इंटरेस्ट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं ओके, उनको जो है बचा के रखना, उनको सेफ गार्ड करना,
राइट, उनको ध्यान में रखना। वो सबसे इम्पॉर्टेंट और तीसरी बात जो है कंजर्वेशन ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में डाइवर्सिटी, हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर की जो है तमाम वैरायटियां हैं इंडिया में, है ना, देसी वैरायटी है, कोई हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं, ये वाला वैरायटी कहते हैं, आलू की भी जो है तमाम वैरायटी हैं। तो ये डाइवर्सिटी को जो है बना के रखने की एक माहौल बनाना, तो ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 2002 की पॉलिसी जो है बनाई गई। ओके, तो 2002 की जो पॉलिसी है उनकी जो थ्रस्ट एरियाज हैं, जो मेन एरियाज हैं, वो क्या क्या है? वैरायटी के डेवलपमेंट, मतलब बीज के अलग अलग वैरायटीज के डेवलपमेंट और प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन। पीवीपी का मतलब है यहां पे प्लांट वैरायटीज का प्रोटेक्शन। वैरायटी डेवलप कर देना और डेवलप किए वैरायटीज को जो है बचा के रखना, सेफ गार्ड करना। ओके, पहला थ्रस्ट एरिया, मेन एरिया जिसपे की ये 2002 की पॉलिसी बात कर रही है ना। दूसरा सीड प्रोडक्शन, यानी कि सीड बीज की प्रोडक्शन को बढ़ाना। भाई बीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी बात होगी, वैरायटी के साथ बढ़ेगा तो और बढ़िया। ठीक, अब प्रोडक्शन ही नहीं इंक्रीज करना है, बीज की जो है क्वालिटी भी ध्यान में रखना, क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब जो है जी, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में अंतर है। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, बीज बनने के बाद उसकी जांच करता है कि कैसी क्वालिटी की बनी है ना, और अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देना, तो उससे उसमें नुकसान है, बनने के बाद डिस्कार्ड करने पे नुकसान है। अगर आपने कोई ऐसा प्रक्रिया बनाया जिस प्रक्रिया से गुजरते हुए जो बीज बनेगी वो अव्वल दर्जे का ही बीज बनेगा, इसको हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। तो एक प्रक्रिया बिठाना जिससे कि बन के निकलने वाला बीज जो होगा वो अव्वल दर्जे का ही बीज होगा, इसको हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं, है ना। फिर क्वांटिटी को ही बढ़ाना नहीं होता, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी को भी बढ़ाना है, उसकी प्रक्रिया को सेट करना, तो 2002 की पॉलिसी में ये भी शामिल। चौथी पॉइंट क्या है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। भाई प्रोडक्शन हो गया, उसकी क्वालिटी जो है अव्वल दर्जे की प्रोडक्शन हो गया, अब उसको मार्केट में उतारा कैसे जाए, सीड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, सप्लाई चेन कैसे देखी जाए और मार्केटिंग के बारे में जो है सोच, ये जो है चौथी पॉइंट है जो 2002 की पॉलिसी में कंसिडर किया गया। पांचवा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। भाई आपको क्वालिटी को बढ़ाना है, वैरायटी को बढ़ाना है, वैरायटी को बचाना है, राइट, क्वांटिटी को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम जो है सप्लाई चेन को भी बढ़ा, इन सब चीज़ों के लिए एक क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा ना, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि ये सब मुमकिन हो सकता। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है, वो बनाना। छठवां है ट्रांसजेनिक प्लांट वैरायटीज। ट्रांसजेनिक मतलब क्या, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट वैरायटीज। 1988 तक जो है इसमें कोई जोर ही नहीं था, हालांकि बायोटेक्नोलॉजी का जो है एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में 1988 की पॉलिसी में जिक्र करना शुरू हो गया था, बट अगर कोई प्लांट वैरायटी बनाया जा रहा है रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से या जेनेटिक इंजीनियरिंग से, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ था 1988 की पॉलिसी में, इसमें जो है वो भी कंसिडर किया जा रहा है। हम बीटी कॉटन की बात करते हैं, बीटी ब्रिंजल की बात करते हैं, ये ट्रांसजेनिक प्लांट वैरायटीज हैं, इनके बारे में भी जो है 2002 की पॉलिसी में जो है शामिल किया गया था। सेवेंथ, इम्पोर्ट ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स। ये तो 1988 की पॉलिसी में डिस्कस है ही, बट इसको और विस्तार रूप में यहाँ पे समझाया गया था। अब 1988 की पॉलिसी में इम्पोर्ट पे ज़्यादा जोर था, 2002 वाली पॉलिसी में एक्सपोर्ट पे भी जोर है, यानी कि इंडिया से बीज जो है बाहर भेजा जाए। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक सीड। इंडिया में बनाए हुए सीड की जो है प्रमोशन करना, सिर्फ इम्पोर्टेड सीड्स की ही बात नहीं करें, इंडिया में बनाए हुए बीज की भी जो है प्रमोशन करना। ठीक है, लास्ट बट लीस्ट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सब चीजें हैं, इनको मॉनिटर कैसे किया जाए,
मतलब वैरायटी ऑफ बीज बनाना, वैरायटी को बचा के रखना है ना, क्वालिटी को मेंटेन करके ना, प्रोडक्शन को बढ़ा देना है ना, सीड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग, ये सब चीज़ें जो बात कर रहे हैं ना, इनकी जो है मॉनिटरिंग कैसे करें, इनकी जो है देख रेख किसकी देख रेख में होगा, कैसे इनकी देख रेख की जाएगी, उस पर भी जो है जोर 2002 की पॉलिसी में जाया गया है ना। तो सबसे पहले जो थ्रस्ट पॉइंट है इसमें क्या क्या की बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई आपको वैरायटी अगर बढ़ाना है, वैरायटी अगर आपको बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर होनी चाहिए। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो प्रोडक्ट बन के निकल रही है वो किसी कंपनी का, किसी टीम का जो है आविष्कार है मान लीजिए, या खोज है, उस खोज को जो है करने के लिए उस टीम को जो है क्रेडिट देना कि हाँ इन्होंने किया, वो आईपीआर सिस्टम पे जोर देना। पीवीपीएफआरए यानी कि प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, देखिए ये अब तक नहीं था, प्लांट वैरायटीज की प्रोटेक्शन और फार्मर्स की राइट, इन दोनों को मिला के जो है ये पीवीपीएफआरए का एक्ट पास किया गया था 2001 में, बस एक साल पहले, तो उसको भी जो इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। और ये जो प्लांट वैरायटीज बनाया जा रहा है इसको जो है दर्ज किया जाए, ये अलग वैरायटी ऑफ प्लांट बनाया जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं दर्ज होगा कि उसमें क्या खासियत, जो प्लांट वैरायटी की क्या खासियत है वो कहीं ना कहीं दर्ज होगा। ओके, फिर फार्मर्स राइट की बात करते हैं। फार्मर्स राइट की जो है चर्चा क्या है, फार्मर्स कैन सेव यूज एक्सचेंज शेयर और सेल चीज ऑफ प्रोटेक्टेड वैरायटी बट नॉट अंडर द ब्रांड नेम। किसान जो है वो वैरायटी ऑफ बीज जो उसको मिला है वो बेच सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, शेयर कर सकता है, बट अपने लेवल पे किसी ब्रांड के नाम पे जो है बेचेगा, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बनाएगा उसको, ठीक है ना। तो ये फार्मर की राइट है, वो दे सकते हैं। रिसर्चर की राइट, रिसर्चर मतलब जो खोज कर रहा है, शोध कार्य कर रहा है सीड्स के बारे में, प्लांटिंग मटेरियल के बारे में, वो उसको जो है फ्रीडम, उसको हक दिया गया है कि अगर वो किसी बीज पे या किसी वैरायटी के प्लांट पे जो है शोध कार्य करना चाह रहा है तो उसको छूट है, वो तो उसका हक दे दिया उसको, ठीक है, ये रिसर्चर का राइट है। ब्रीडर्स राइट, बेनिफिट राइसिंग आउट ऑफ यूज ऑफ वैरायटीज अपॉन कमर्शियलाइजेशन ऑफ सीड्स ऑफ न्यू वैरायटी विल बी शेयर्ड विद रेस्पेक्टिव ब्रीडर। अगर एक ब्रीडर ने एक नया वैरायटी बना दिया और उस ब्रीड की जो है अगर आप पैदावार निकाल रहे हैं, उस पैदावार से कितना कमर्शियल बेनिफिट मिल रहा हो या मिल सकता है, इसकी जो है रेवेन्यू कैसे हो सकती है, उसके बारे में ब्रीडर को जो है पूरा जानकारी देना, ताकि ब्रीडर को भी पता चले भाई इस वैरायटी से बढ़ाने से जो है इसकी मार्केट में डिमांड है, इससे पैसा बढ़ सकता है, तो ब्रीडर भी जो है उस तरफ चले जिसमें उसको फायदा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है कम्युनिटी राइट्स, बेनिफिट शेयरिंग विद फार्मर्स विलेज कम्युनिटी विल बी इंश्योर्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन एवेल्यूएशन ऑफ प्लांट वैरायटी अपॉन रजिस्ट्रेशन। यानी कि फार्मर्स की या कम्युनिटी की जो है उनको राइट दे देते हैं, किस बात की राइट देते हैं, इन एवेल्यूएशन ऑफ प्लांट वैरायटी। भाई अगर वो एक किसान की जो है समूह या गांव के जो है समूह जो है वो किसी प्लांट वैरायटी के बारे में जो है एवेल्यूएशन करना चाहते हैं, अपने लेवल पे जो है एवेल्यूएट करना चाहते हैं, तो उनको राइट है एवेल्यूएट करने का, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते आप यही प्लांट वैरायटी को यूज़ करोगे, आप नहीं कर सकते, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो देखेंगे कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है फर्स्ट थ्रस्ट एरिया में डिस्कस्ड है। दूसरा है सीड प्रोडक्शन, है ना। तो सीड प्रोडक्शन की जो है आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, इसके लिए क्या है, इंडिया सीड प्रोग्राम विल अडहियर टू जनरेशन सिस्टम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, नेमली न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड। यानी कि आपको अलग अलग सिस्टम से
ब्रीडिंग को बढ़ाते हुए सीड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, दैट इज द मेन। अब इसमें जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मतलब सपोर्ट से जो है ये करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट। और आपको विलेज स्कीम के थ्रू जो है बीज को जो है प्रोडक्शन की बढ़ाने की, उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने की जो है किसान की मदद से जो है आप कर सकते हैं। सीड रिप्लेसमेंट विल बी रेज प्रोग्रेसिवली, नेशनल सीड बैंक विल बी प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ सीड प्रोडक्शन, सीड बैंक विल बी एस्टैब्लिश विद कोल्ड स्टोरेज। तो बेसिकली आपको अगर सीड प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो सीड को जो है अच्छी क्वालिटी की सीड को जो है आपको बचा के भी रखना है, तो सीड बैंक जो है कंट्री में बनाता है। हमने आपको एक लिंक इसके बारे में भेजा भी था, इंटरनेशनल सीड बैंक जो है वर्ल्ड का बेस्ट जो है आर्कटिक रीजन में बना हुआ है, उसका हमने आपको भेजा था, नॉर्वे में है शायद, आपको एक वीडियो भेजी थी मैंने। और इंडिया में जो है कहते हैं कि इंडिया का जो नेशनल सीड बैंक है वो लद्दाख में कहीं बना हुआ है, उसका भी मैंने आपको डिटेल भेजा था। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सेंट्रल सीड कमिटी है, स्टेट सीड कमिटी है, सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड है, सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसके अलावा सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी है, इसके थ्रू जो है क्वालिटी एश्योरेंस की जो है वेरिफिकेशन होगी। ओके, सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, तो नेशनल सीड बोर्ड इनका काम ही जो है सीड की डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की तरफ है, ठीक है ना। इनका काम ही जो है एक बार सीड की वैरायटी जो है दर्ज हो गई उसको जो है मार्केट में कैसे उतारना है, सप्लाई चेन को कैसे बिठाना है, वो इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, भाई अगर आपकी सीड की वैरायटी को बढ़ाना है, शोध कार्य करना है, ब्रीडिंग करनी है, तो इसके लिए एक क्या कहते हैं अगर आपको माहौल बिठाना है फैसिलिटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के दे रहे हैं नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये बनाया गया था, इसका प्रस्ताव रखा गया था, ये बना भी है, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। ओके, कंप्यूटराइज्ड नेशनल सीड ग्रिड, यानी कि रजिस्ट्री जिसके थ्रू ये जैसे नाबार्ड भी बनाया है तो इसके बाद बनाया है, ऑलराइट। नाबार्ड को फाइनेंस की बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर यूनिट में डिस्कस करेंगे, बट आपको सीड की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना है, वैरायटी को बरकरार रखना है, तो एक यू नो सेटअप बनानी पड़ेगी, जिसमें कि इस सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एक एग्जांपल है, इसको बनाने की जो प्रस्ताव रखी गई थी और उसके बाद बन भी चुका है ना। नेशनल सीड ग्रिड जो कंप्यूटराइज्ड है वो भी बना दिया गया, ट्रांसजेनिक वैरायटी का जो है जिक्र किया था जो कि पहले नहीं था, ऑल जीएम क्रॉस विल बी टेस्टेड फॉर एनवायरमेंट एंड बायो सेफ्टी बिफोर कमर्शियल रिलीज एज पर ईपीए। EPA का मतलब है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। तो GM क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जो बात कर रहे हैं तो उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले जो है प्रॉपर जांच होगी कि उससे पर्यावरण को या इंसान को या जानवर को भी जो है उससे कोई नुकसान तो नहीं है, इसकी छानबीन करने के बाद ही जो है उसको मार्केट में उतारा जाएगा, कमर्शियली रिलीज किया जाएगा। ये EPA के तहत जो है यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है जांच करके फिर निकाला जाएगा। इसके अलावा जो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई GM क्रॉप को, तो GM क्रॉप को भी जो है जांच करके वेरीफाई करके ही आपको जो है मार्केट में उतारने को परमिशन दिया जाएगा, ये 2002 में प्रस्ताव रखा गया। ओके, इंपोर्ट के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यानी कि अव्वल दर्जे का अच्छी क्वालिटी के बीज को जो है इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा और किसानों को उपलब्ध करा जाएगा। उपलब्ध कराना मतलब जस्ट मार्केट में अवेलेबल कराना है, मार्केट में उनको खरीदने लायक भी करना पड़ेगा, ठीक है ये। और इंपोर्ट करते में क्वारंटाइन सिस्टम को फॉलो करना, इन सब चीज़ों पर जोर है। अगर देखिए इंडिया की कोई वैरायटी जो है अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे जो है किसान को जो है फायदा है वो तो हमें करना चाहिए, ठीक है, तो उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए 2020 तक जो है 1% से 10% बीज की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स तो पुरानी है 2002 की पॉलिसी के हिसाब से, आज के डेट में ये वाकई में इतना इंक्रीज हुआ या नहीं हमें पता नहीं है, बट ये वेरीफाई किया जा सकता है। ओके,
प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक सीड भाई इंडस्ट्री, डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। मैंने बोला था ना नाबार्ड की जो है इंट्रोडक्शन हुआ था, किसानों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना जिससे कि इंडिया की जो डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके, प्रमोट हो सके। ओके, ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटर कैसे करेंगे भाई, आप इतनी चीज़ें बात कर रहे हैं, इनको मॉनिटर कैसे करेंगे? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन DAC, उनको जो है नेशनल सीड पॉलिसी की जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स हैं, ये अमल हो रही हैं नहीं हो रही हैं, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करके इन पे मतलब नियंत्रण रखना, ये मॉनिटर करने की जिम्मा जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन को दिया गया। ठीक है, तो ये जो है नेशनल सीड पॉलिसी 2002 की सैलिएंट फीचर, इसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया। इसके स्टडी मटेरियल यहाँ ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद हम बायो फर्टिलाइजर्स की जाएंगे, स्टडी मटेरियल भी आपको मैं शेयर कर दूँ, ये तो सिंपलेस्ट है। इसके अलावा ओरिजिनल लैंड्स नेशनल सीड पॉलिसी में ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ, ये भी स्टडी मटेरियल आपको शेयर कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।